आदाब, आप देख रहे हैं आजाद टीवी रायचूर। आज हमारे साथ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज यरमर्स कैंप के स्टूडेंट्स योगेश प्रवीण भावराज है। इनका कहना है कि कॉलेज जाते टाइम इनको बहुत सी तकलीफ झेलनी पड़ती है। इसी सिलसिले में स्टूडेंट्स सारे स्ट्राइक करने के लिए निकले हैं और इनकी हर फर्स्ट और सेकेंड क्लास मिस हो जाती है क्योंकि इनको डेली पैदल जाना होता है या किसी ट्रक का लिफ्ट लेना पड़ता है, किसी से रोड पर लिफ्ट लेने में इनको टाइम हो जाता है। ये सब लैब और क्लासेस छोड़कर स्ट्राइक करने के लिए निकले हैं और 2 से 3 बार तो बस भेजी गई थी लेकिन बस आती है 7 बजे और हॉस्टल का 8 से 8:30 तक ब्रेकफास्ट चलता है। इतनी तकलीफ जितनी हमें है वैसे उतनी तकलीफ किसी को नहीं होगी इनका कहना है। और इंजीनियर तो लैब पे ही सारा काम होता है, हमारी फर्स्ट क्लास जो होती है वो लैब ही मिस होती है और इन्होंने सारी तकलीफ AIDO और SCO को बताया है। सभी गवर्नमेंट हॉस्टल को बस है लेकिन BCM कॉलेज को ही बस नहीं है। लेट जाने से इनकी हर क्लासेस मिस होती है और इसी सिलसिले में ये सब स्ट्राइक कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि डेली बस की सहूलत हमें मंजूर कीजिए। हम सारे बच्चे स्ट्राइक करने के लिए आए हैं, हम रोज कॉलेज को जाने के वास्ते हमको डेली बहुत सी तकलीफ और प्रॉब्लम आती है। हम डेली फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास छोड़ते हैं बस की वजह से, क्योंकि हम डेली एक ट्रक से जाते हैं, लिफ्ट लेके जाते हैं और डिपर से जाके डेली हमको जाने के लिए 2 क्लास जाता है। इसलिए हमको इंजीनियरिंग के 3 नहीं तो 4 सब्जेक्ट रहते डेली, इसलिए हम डेली दो सब्जेक्ट गए तो हम कॉलेज को जाने की वेस्ट होता। इसलिए हम 2-3 बार हमारे AIDO उनके संघों को भी बताए और उन्हें आए हमारे हॉस्टल में बहुत तकलीफ है बोल के। हम सारे बच्चे आज लैब छोड़ के क्लास छोड़ के आज रास्ते पे आए हैं। इतनी तकलीफ किसको भी नहीं है, 2-3 बार बस भेजा लेकिन वो हमारे पास नहीं आता। बस आई तो 7 बजे आता, हमारे हॉस्टल में नाश्ता सब 8:30-9 बजे तक होता। इतनी तकलीफ इस तरह से किसको भी नहीं है। हम लैब तो छोड़ते इंजीनियरिंग बोले तो लैब कंस्ट्रक्शन पे इंजीनियरिंग चलता, यहाँ देखे तो लैब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम जाना कहाँ। हम इसलिए आज बहुत दिक्कत से बहुत तकलीफ से यहाँ तक आए हैं और हमारा तकलीफ आज हमारा AIDO SO संघ ने हमको बताया है। इसलिए सारे बच्चे हम देखो बस पे कैसे जाते, देखो ये लारी है, डेली ऐसे जाना पड़ता, ये हमारा तकदीर है इंजीनियर का। देखो यहाँ सब गवर्नमेंट हॉस्टल को बस है लेकिन BCM हॉस्टल को नहीं है। हम BCM हॉस्टल 2301 हॉस्टल से आते हैं, हमारी तकलीफ देखो डेली एक इससे जाना पड़ता, एक टिप्पल से जाना पड़ता और बस से जाना पड़ता। इतनी तकलीफ कहाँ भी इंजीनियर को नहीं है। हमको फैसिलिटी बहुत ज़्यादा आता है लेकिन तकलीफ बहुत है, क्या करना। और रोज हम कॉलेज को जाते तो 8:30-8:30 आता, 8:30-8:30 आए तो कहाँ जाना। दो साल सारा सब 1 दिन 2 दिन एक्सक्यूज देते, डेली सर भी कैसे देते। कॉलेज स्टार्ट होता 9 बजे, हम यहाँ बस से वहाँ हमारे हॉस्टल से यहाँ पूर्णिमा तक आना कुछ आधा घंटा 1 घंटा गाड़ी मिले तो होता, नहीं तो वापस हॉस्टल को जाते। इतनी बड़ी हमको तकलीफ है, इसलिए हम पूरा आज पूरा हॉस्टल के मिनिमम 120 स्टूडेंट्स यहाँ सब है, सब कॉलेज छोड़ के आज बहुत तकलीफ से यहाँ आए हैं। दया करके हमको बस की फैसिलिटी करो, नहीं तो हम डेली ऐसे आके बैठना पड़ेगा। हम आज बस फैसिलिटी होने तक हम नहीं जाएंगे, खबरदार। हमको कोई जाने को बोले तो भी हम नहीं जाएंगे, ये हमारी वादा है। अब सब बच्चा है, हमारी वचन है यार। इतना कहकर मेरा नाम क्या आपका? मेरा नाम पवन कुमार भंगारपड़े।